उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्या कुछ मुख्य प्रस्ताव थे जिनको लेकर सरकार ने फैसले लिए हैं? देखिए, बहुत सारे प्रस्ताव, 30 प्रस्ताव पास हुए हैं। हमारे विभाग से संबंधित एक टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 आज हम लोगों ने मंत्रिमंडल के सामने पेश की है, जिसका अप्रूवल हुआ। बहुत सारे उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान हम लोगों ने किए हैं। वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को 10,000 करोड़ का निवेश का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें नई इकाइयों को टेक्सटाइल पार्क, हमारा जो एक हरदोई और लखनऊ में 1,000 एकड़ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत हमें अप्रूवल मिला हुआ है, जो बहुत ही शीघ्र उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कि प्रदेश में नए युवक युवतियों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का भी हम लोगों ने इस नीति में रखा है। तो इस तरह से आज मंत्रिमंडल के समक्ष ये पॉलिसी हमारी जिसको अप्रूवल मिला है, जिससे वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा और 10,000 करोड़ तक का संभावना है कि हमें कम से कम निवेश। बाढ़ के जो इलाके हैं उसमें जाने के लिए कहा गया है आप लोगों को, कौन कौन से बाढ़ के इलाके आपके क्षेत्र में? हमारा चित्रकूट मंडल में चारों जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। महोबा में भी 35 गांव बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए थे, हमीरपुर में यमुना के किनारे, इधर बांदा में भी यमुना है, चित्रकूट में है। तो वहाँ पर जा करके और बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं, हताहत लोग हैं, उनको उन तक राहत पहुँचे और जो बाढ़ से तमाम सड़कें आवागमन की टूट गई है उनको जल्दी से दुरुस्त कराना और पूरी अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा करना, उसके लिए निर्देश मिले हैं माननीय सीएम साहब के। तो हम लोग वहाँ अपने प्रभारी वाले क्षेत्र में जा करके और जल्द ही ये कर रहे हैं, बात करेंगे कि शायद कल ही हम लोग वहाँ पहुँच करके एक एक जनपद में जाकर समीक्षा करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, राकेश सचान जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी से ये दौरा शुरू कर रहे हैं और जो जनपदों की जिम्मेदारी मिली है वहाँ पर जाएंगे और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।